अश्वगंधा अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से मास एंड स्ट्रेंथ इशू, स्ट्रेस एंड एंजाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन और सेक्सुअल वेलनेस में रामबाण उपाय है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इजी और हाईली इफेक्टिव होम रेमेडीज शेयर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडिको एक्सपर्ट्स नेचुरल्स और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अश्वगंधा के फायदे, साइड इफेक्ट्स और इसको खाए जाने के सभी तरीकों के बारे में। अश्वगंधा तेजी से दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय हर्बल सप्लीमेंट बन रहा है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य में तो असरदार है ही, लेकिन पुरुष स्वास्थ्य में भी काफी लाभदायक माना जाता है। अश्वगंधा, जिसका लैटिन नेम है विटानिया सोमनिफेरा, यह आयुर्वेदिक चिकित्सा में हजारों वर्षों से इस्तेमाल किया गया है और यह अपनी रेजुविनेटिंग और अडेप्टोजेनिक यानी शारीरिक प्रक्रियाओं में स्थिरता लाने वाले गुणों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। यह हार्मोन और शरीर में इम्यूनिटी को नियमित करने के लिए, तनाव से राहत दिलाने के लिए, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए और एकाग्रता में सुधार कराने में बहुत ही प्रभावशाली है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे मुख्य रूप से पुरुष हार्मोन के रूप में जाना जाता है, उम्र के साथ कम होता जाता है, लेकिन यह हार्मोन किसी भी उम्र में जीवन की परिस्थितियों जैसे कि तनाव से भी प्रभावित हो सकता है। थकान, सेक्स ड्राइव में कमी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शरीर में वसा की वृद्धि, मांसपेशियों और बोन डेंसिटी में कमी, मनोदशा में बदलाव यानी मूड स्विंग्स का होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के ही लक्षण हैं। अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा के सेवन से पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर में सुधार और स्पर्म क्वालिटी में भी सुधार आता है। इसके सेवन से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल को भी बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहती हूँ जो कि एक यूएस वेबसाइट www.ncbi.nlm.nih.gov से लिया गया है। रिसर्च के अनुसार 40 से 70 वर्ष आयु वर्ग के अधिक वजन वाले पुरुषों ने 8 सप्ताह तक अश्वगंधा का सेवन किया। उसके बाद उनके शरीर में थकान में कमी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और DHA के स्तर में काफी वृद्धि देखी गई। हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन भी पाया जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन को हम तनाव हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। यह तनाव के साथ शरीर में उत्पन्न होता है। यह तब समस्याग्रस्त हो जाता है जब तनाव लगातार होता है और कोर्टिसोल का स्तर लगातार ऊंचा होता जाता है। कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोनों का प्रिकर्सर एक ही है, इसलिए अगर कोर्टिसोल की अधिक मांग है तो यह टेस्टोस्टेरोन उत्पादन पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। यह बताता है कि तनाव आपकी कामेच्छा, ऊर्जा, वजन बढ़ाने और मनोदशा को कैसे प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये सभी लक्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के पर्याप्त लेवल के बेनिफिट्स माने जाते हैं। अच्छी खबर ये है कि अश्वगंधा कोर्टिसोल के स्तर को भी कम कर सकता है, मांसपेशियों और ताकत में भी सुधार कराता है। रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग में कम अनुभव वाले युवा पुरुषों के साथ एक क्लिनिकल अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा को 8 हफ्ते की अवधि के लिए रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग के साथ संयुक्त रूप से लेने से मांसपेशी और ताकत में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट होता है। अश्वगंधा का सेवन तरल या पाउडर के रूप में किया जा सकता है। अश्वगंधा पाउडर लेने के लिए 1/4 या आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर दूध या शहद के साथ लें, या फिर अपने चिकित्सक द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार भी ले सकते हैं। अगर आप अश्वगंधा का सेवन चाय के रूप में करना चाहते हैं तो 2 कप पानी में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाएं, इसे उबाल लें। इसे तब तक उबालें जब तक कि इसकी मूल मात्रा आधी ना रह जाए। इसमें थोड़ा दूध और शहद भी मिला सकते हैं, दिन में 1 बार पिएं। पर अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो शहद को ना डालें। अश्वगंधा का सेवन आप मिल्क शेक के रूप में भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 1 कप शुद्ध घी में 4 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को भून लें। इसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिलाएं। सेवन करने के लिए
एक चम्मच पाउडर को एक गिलास ठंडे दूध में मिलाएं। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें और बेहतर स्वाद के लिए तुरंत पी लें। आप इस मिश्रण को फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो इसमें भी शहद का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। आप अश्वगंधा पाउडर के लड्डू भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। इसको बनाने के लिए अश्वगंधा पाउडर के 2 बड़े चम्मच लें। इसमें 1 बड़ा चम्मच गुड़ पाउडर मिलाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए मिश्रण में 1 चुटकी काला नमक और काली मिर्च डालें। मिश्रण को समान रूप से ठीक से गूंथ लें। उसके बाद अपनी हथेलियों के बीच में उपरोक्त मिश्रण से गोल आकार के लड्डू बनाएं। आप इन लड्डुओं को फ्रिज में भी 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको भी मेडिको एक्सपर्ट्स के नेचुरल अश्वगंधा में इंटरेस्ट है तो मेडिको एक्सपर्ट्स आपको एक डिस्काउंट कूपन ऑफर करता है। आप नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और आपके पास व्हाट्सएप के जरिए एक डिस्काउंट कूपन आ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही अश्वगंधा के और दूसरे बेनिफिट्स के लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और चाहते हैं कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, घंटी भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।